जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स टारगेट डे नंबर 7 में आपका वेलकम करते हैं और आज का टारगेट आपको दिया गया है। आज हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योग्राफी के घटनाचक्र को स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग कल तक साइंस को हम लोग ने टोटली कम्प्लीट कर लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट कम्प्लीट हो गए हैं और आज जो हम लोग हैं घटनाचक्र ज्योग्राफी पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा और इतना मेहनत आप लोगों को जरूर करना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। 120 पेजेस वो भी MCQ पढ़ना नॉट ए वेरी बिग डील, तो आप सब इसको अच्छे से करेंगे। इसके साथ ही ज्योग्राफी का मैं बता देता हूँ, आज जो टारगेट होगा ज्योग्राफी का, आप कोई भी घटना चक्र स्टार्ट करेंगे उसके पहले 120 पेज को आपको पढ़ेंगे। मेरे घटना चक्र में 600 पेज हैं तो मैं 120 पेज पर डे के हिसाब से करूँगा और पाँच दिन के अंदर में आपको ये घटना चक्र की बुक को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आज का जो टारगेट है घटना चक्र ज्योग्राफी का डे नंबर 1 में आपको 120 पेज के आसपास आपको पढ़ना होगा। और याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ MCQ को क्वेश्चन को देखना है, थ्योरी पार्ट को उतना नहीं देखना है। क्वेश्चन आपको जो आप क्वेश्चन करेंगे उसको आप नोट मेकिंग भी करेंगे, तो नोट मेकिंग कैसा होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे, 90 डे प्लानर जो आया है परफेक्शन है इसका, उसके बारे में बात करेंगे और नंबर ऑफ टेस्ट कितने लगाने चाहिए वो भी हम लोग बात करेंगे और साथ में रिविजन कब किया जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये सब हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। और आज जो है घटना चक्र का मैंने टारगेट दे दिया है ज्योग्राफी का, आपको बना के जाना है। याद रखिएगा, पहले जो टारगेट मिलता है पहले उसे मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे टारगेट देता हूँ। यानी जब मैं टारगेट दे रहा हूँ तो इसका समझ लीजिए कि मेरा जो घटना चक्र का मैंने ये 120 पेजेस पढ़ लिया है, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। जब मैं कर सकता हूँ अभी तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन का जो आपको बनाना होगा नोट करना पड़ेगा, तो आप नोट मेकिंग करेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन के मेन थीम को नोट कीजिएगा और उसके आंसर को। जैसे मेन थीम क्या हो जाएगा, जैसे मेन थीम क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे सुपर इम्पोज बाउंड्री जो है इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री किस टाइप का देखा गया है, तो यहाँ पे सुपर इम्पोज बाउंड्री यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मैं सिर्फ लिखा हूँ सुपर इम्पोज बाउंड्री इंडिया पाकिस्तान, ये सिंपल सा आपको समझने के लिए काफ़ी हो जाएगा। अरावली किस टाइम में है, तो प्री कैम्ब्रियन में है, तो आप सीधा लिखिएगा अरावली प्री कैम्ब्रियन। इसके साथ ही थार डेजर्ट जो है कौन से टाइम में है, प्लेस्टोसीन टाइम में हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा आपका, पटकाई हिल्स से स्टेट कौन कौन से हैं, तो आपको स्टेट के नाम लिखने, 4-5 स्टेट है उसको लिख लेना है। इसके बाद जो है मरखा वैली कहाँ पे आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, नेलांग वैली उत्तराखंड में आ जाएगा। इसके साथ महादेव हिल गुजरात जो कि सतपुरा का पार्ट हो जाएगा, और ऐसा करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जो चारीबाड़ी ग्लेशियर जो है आपका मंदाकिनी से रिलेटेड है, और क्रिटेशियस पीरियड डेक्कन प्लेट्यू जो है, और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे मेन क्वेश्चन के थीम को आपको लिखना है और उसके आंसर को यहाँ पे लिख लेना है। फिर यहाँ पे कुछ ट्राइब्स के नाम आएंगे तो उसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और बस यहाँ पे है। बाकी तो आप जैसे नोट्स यहाँ मैं बनाता हूँ उसी तरीके से नोट बनाएंगे। मैं नोट्स का जो एक सैम्पल हूँ अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप उस टाइप से देख के समझ जाएंगे कि नोट्स आपको कैसे बनाना है। तो मेरे नोट्स बनाने का तरीका यही होता है कि 120 पेजेस जो है मेरे आपके 150 पेजेस में 120 पेजेस आ गए हैं, तो इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा आपको 600 पेज का नोट्स, आपको 600 पेज का जो घटना चक्र होना चाहिए वो आपको 10 पेज में आ जाना चाहिए। ठीक है, ताकि आप ये 2 घंटे में आप इसको आसानी से रिवाइज कर लेंगे। तो आई विश कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कैसे आप नोट्स मेकिंग किए होंगे। जो कि कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा गया लार्जेस्ट यूटी कौन सा है, तो लार्जेस्ट यूटी हमारा दिल्ली हो जाता है। इसके बाद जो है स्मॉलेस्ट यूटी आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। मालवा प्लेटी जो है अरावली और विंध्या के बीच में आता है। फिर जो है कोस्टल स्टेट 9 है। सिंधु दुर्ग जो है महाराष्ट्र में है। फिर नागरकोल जो है आपका ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। उडुपी आपका कर्नाटक में पड़ेगा। सैडल पिक नॉर्थ अंडमान में पड़ता है। और इसके साथ ही जो है सुमात्रा जो है ग्रेट निकोबार से नज़दीक में आता है। फिर जो है आपका पालघाट जो हिल है आपका नीलगिरी और अन्नामलाई हिल के बीच में होता है। सबसे कम अर्बनाइज यूटी कौन सा है, आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा। लोएस्ट सेक्स रेशियो यूटी कौन सा है, दमन एंड दीव हो जाएगा जहाँ पे 618 है। और हाइएस्ट सेक्स रेशियो यूटी है पुडुचेरी जो कि 1037 हो जाएगा।
पीबीटीजी के कितने नंबर है, 75 है पीबीटीजी, जिसमें जो 18 स्टेट और 1 यूटी में फैला हुआ है, और 1 यूटी कौन सा है आपका, अंडमान निकोबार है, याद रखना है। जो गंगा रिवर है इसको हम एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बेतवा रिवर जो है विंध्या हिल से निकलती है और यमुना को ज्वाइन करती है हमीरपुर में, तो इस टाइप का क्वेश्चन को। तवा रिवर जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, नर्मदा नदी की, ये सब क्वेश्चन आपको। और अमृत धारा वाटरफॉल जो है किस पे है, तो हसदेव नदी पे है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसी को लिखना है, जो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हैं उसको लिखना है, जो क्वेश्चन आपको पता है वो आप नहीं लिखिएगा। और बाकी जो है साइलेंट वैली में कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुंथी नदी जो है साइलेंट वैली से निकलती है, याद रखना है। और साइलेंट वैली कहाँ पे पड़ता है, तो आपका नीलगिरी हिल में पड़ता है जो कि पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और ठीक है, आज का नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके साथ ही हम लोग जो है टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज से पहले हम 90 डे प्लानर के बारे में बात करेंगे कि 90 डे प्लानर क्या होना चाहिए। तो 90 डे प्लानर जो है आपको, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो बनाइए। 90 डे प्लानर आया है तो सभी को क्लियर है, तो आप लोग भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। जहाँ जो चीज़ सबको ही करता है वो आपको भी करना होगा, तो 90 डे प्लानर सबको ही कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से बिल्कुल मत करना कि डे वन डे टू चलेंगे, 90 डे ले चलेंगे, नहीं। आपको कोशिश करना होगा, अभी नहीं, जब भी आप बनाइएगा 90 डे प्लानर तो याद रखिएगा 500 MCQ, ठीक है। तो 90 डे जो सीरीज आएगा, प्लानर आएगा, उसमें जो है आप लगभग कोशिश कीजिएगा 400 MCQ वहाँ से सॉल्व करेंगे पर डे 400 MCQ, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स, डे सेवन, डे एट, डे नाइन, डे टेन, जहाँ तक भी आपको 400 MCQ कंप्लीट होता है आप वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है आप करंट अफेयर पे आएंगे, तो याद रखना है करंट अफेयर आपको हमेशा यहाँ से पढ़ना है। करंट अफेयर साथ में बिहार का भी लेके चलना है और यहाँ पे इसका भी लेके चलना, नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेके चलना है। तो करंट अफेयर हो जाएगा। और 90 डे प्लानर बता ही दिया आपको, 500 क्वेश्चन या 400 क्वेश्चन आपको डेली लेके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरीके से आपको बनाना है कि एक दिन में आप कम से कम 500 MCQ तो देख रहे हो, चाहे आपको आसान वाला देख रहे हो चाहे आप टफ वाला देख रहे हो, लेकिन 500 क्वेश्चन आपको देख के जाना है। इसके बाद जो है नोट्स का मैंने बता दिया कि नोट्स आप कैसे करेंगे। टेस्ट सीरीज कितने टेस्ट सीरीज लगाने चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। आप टेस्ट सीरीज 10, 15, 20, 25, 30 जितना आप लगा सकें, 50 लगा सकें लगाइए। लेकिन टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि कोई आपको बस ये उम्मीद मत लगाइए कि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमको वहाँ पे दिख जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको एक कंफर्टेबल एरिया कंफर्टेबल बना देता है एग्जाम एनवायरनमेंट को लेके। आप 2 घंटा बैठ सकते हैं आसानी से एक पीसफुल मेंटल एबिलिटी के साथ, बस टेस्ट सीरीज का यही काम होता है। और बाकी तो कुछ टेस्ट सीरीज का उतना, बाकी क्वेश्चन नए में नए मिल जाते हैं जो कि वैल्यू एडिशन में काम आता है, कभी कभी पूछ भी देता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी जो डाउट्स हो तो आप यहाँ पे पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।